वीडियो में हम बात करेंगे नीडेबल इरेजर की, क्ले इरेजर। तो देखते हैं इसको यूज कैसे। डबल पैक हुआ हुआ है ये, बहुत बड़ा इरेजर है, तो हम इसको एक बार में यूज करना चाहें तो एक बार में भी कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे जितना चाहिए। देखिए मैंने इसका एक पार्ट ले लिया। इसका बेस्ट पार्ट है, हम इसको किसी भी शेप में, चाहे हमें एकदम फाइन फिनिशिंग देनी हो तो हम एकदम इसको पॉइंट पॉइंटेड कर सकते हैं, या हमें फ्लैट चाहिए तो हम फ्लैट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं। मैं इसको अपने एक पुराने स्केच पे यूज़ करके देखती हूँ। हम इसको पॉइंटेड करके अब यूज करके देखते हैं। ये देखिए एक बार में ही कितनी फाइन फिनिशिंग आ रही है। हमें वाइट स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम इससे भी काफी अच्छा दे सकते हैं। ये देखिए इससे स्केच और ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा 3D दिखेगा। हम इसको एक नॉर्मल इरेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने एक लाइन इधर खींची है, इसको एक नॉर्मल इरेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें कुछ डस्ट और कुछ नहीं होता, कोई रेजिड्यू नहीं, और थोड़ा सा यूज़ करें, यह जब ख़राब हो जाए तो नेक्स्ट। एकदम छोटा सा है ये, उसका एक छोटा सा पार्ट है। देखिए मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, बाकी मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। नॉर्मल इरेजर से ऐसा फिनिशिंग नहीं आती है, उसमें डस्ट आता है, उसको पॉइंटेड नहीं कर सकते हम अपने हिसाब से। इसमें हम अपने हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। ये फेबर कास्टल का है,